मुरुलॉग डेट April 3, 2020 लोकेशन कराची। मैं पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में बंद हूँ, तकरीबन 8 दिन हो गए घर गए हुए। बट इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब कुछ टाइम मिल रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए। और आई गेस दिस वायरस अफेक्ट्स एवरीवन। कुछ लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा असर हो रहा होगा दूसरों से। वायरस भी एक तरह से शिकारी की तरह निशाना लिए बैठे हैं ना कमज़ोर लोगों का। इट्स अ लिटल फक्ड अप। एक फैक्ट है जिस पर मैं आजकल गौर कर रहा हूँ कि दुनिया में कभी बराबरी थी ही नहीं। आप तारीख को कहीं से भी मोड़ के देख लें, आपको कभी बराबरी नहीं मिलेगी। कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। और ये सिलसिला हमेशा से ही ऐसा रहा है। इस मसले का हल हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए और शायद इज्तमाही तौर पर ढूंढना चाहते भी नहीं है। आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क। एक पुरानी वीडियो पे काम करना शुरू किया, उन दिनों की है जब हम आज़ादी से घूम फिर सकते थे। इट्स फनी हाउ इस वक्त कैद में मुझे आज़ादी का सही एहसास हो रहा है। आई गेस प्लेजर गिव्स पेन मीनिंग। क्यों बिलाल? देखिए, अगर पेन ना हो तो हम तो आग से सड़ जाएं। क्योंकि पेन इज व्हाट प्रिवेंट्स अस, पेन इज व्हाट गिव्स अस दैट सिग्नल। भूख ना लगे तो बॉडी को फील ना हो तो हम तो मेल न्यूट्रिशन से मर जाएं। बिलाल की वजह से ही हम सब उठ के एक दिन थर चले। मिसेज इकरा एंड यासर भाई, नाम बिलावल भाई। सर मैं था, आई वाज वर्किंग इन लंदन, तो आई वाज ट्रैवलिंग इन अफ्रीका। दिस इज कंट्री कॉल्ड बुर्किना फासो इन वेस्ट अफ्रीका, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उनका कैपिटल है वागाडोगू, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, वेरी पुअर। वहाँ पे मैंने ये औरतों को देखा कि ये एक व्हील में लेके आ रही हैं पानी। तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ क्योंकि यू नो मैंने कहा यार ये कितना सिंपल सॉल्यूशन, इंडिया में भी ये हो रहा था लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। तो फ्यू फ्रेंड्स गॉट टुगेदर एंड 3 years अगो वी सेड यू नो लेट्स स्टार्ट इट, एंड सिंस देन यू नो वी आर गिविंग दीज व्हील्स आउट इन थरपाकर, इन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, इन सम अदर एरियाज ऑफ सिंध। इसमें 40 liters पानी आ जाता है एक मटके में, कंपैरेटिवली 8 से 10 liter पानी आता है। डांस वांस नहीं करते?150 pe पार्टनरशिप चल रही थी। हार गए हिस्टोरिकली आप देखें कि औरत की जिम्मेदारी रही है पानी लेके आना। डजंट मैटर व्हाट एज शी इज, whether she is pregnant or she is not pregnant, it is her responsibility to fetch water. Men have never because of ego. यास्मीन हमीद का एक शेर है, पूरी बात और पूरा किस्सा कौन लिखेगा। कितना मुश्किल था ये रास्ता, कौन लिखेगा। दिन और रात के आधे आधे बंटवारे में कितना कम था किसका हिस्सा, कौन लिखेगा। तो ये लोग इतनी तकलीफ में थे यहाँ पे। The project has changed gender roles. It's redefined. So now men will go out to fetch water. पहले मर्द कभी भी नहीं मटके में पानी लेके आया, लेकिन अब यार मैं अच्छा भला वजन वाला आदमी मुझसे ये नहीं उठ रहा है। 10 किलो कैलोरी यार मुरु, ये हो क्या रहा है मुल्क में यार। इतने 100 सालों से जो ट्रेडिशन था वो चेंज हो रहा है, मर्द जा रहे हैं। आपने खुद भी देखा था कुछ मर्द आए हुए थे पानी लेके। अभी भी ज्यादातर जहाँ पे पहिया है वहाँ पे मर्द लेके आएंगे, जहाँ पे मटका है या जेरी कैन है वो औरत ही उठा के लेके आएगी।
तो इसकी सोशल बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बारिश हो जो भी औरत ने लेके आना फिसल जाते हैं, हैवी होता है, साथ बच्चा भी छोटा सा उठाया होता है. तो ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है. भाई दुनिया में तो पानी भी बराबरी से तकसीम नहीं किया गया, मतलब कि आप जुल्म के खिलाफ जितने भी इकदाम कर लें वो कहीं ना कहीं तो जिंदा रहेगा ही. तो फिर अगर कुछ करें तो क्यों करें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है. इस चीज के बारे में आबदी साहब क्या सोचते होंगे? यकीनन पीछे से एक नक्शा खींच के लाते होंगे. क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा देर पहले की बात नहीं, जब इंसान की मईशत मुकम्मल तौर पर उसका ज़राई माल था, यानी कि टींडे टमाटर और आलू उगाना सारी इंसानियत का काम था. काश्तकारी के औजार थे बुनियादी और मशक्क़त थी ज़रूरी. जिस कौम ने जितना उगाया उतना ही पाया, और खाने की मकदार भी मुकर्रर थी, यानी कि साल दर साल एक ही जितना खाना बनता था वो तकसीम कर दिया जाता था. एक तवील अरसे से दुनिया ऐसे ही खड़ी थी, जिसमें एक से आगे बढ़ने के लिए उसको पीछे छोड़ना होगा, ज़्यादा पाने के लिए दूसरे को कम देना होगा. फसल की मकदार आखिरकार मुकर्रर ही है. हज़ारों सालों से यह सूरत हाल थी कि कबाइल एक दूसरे से माल के पीछे जंग में होते थे. बराबरी तो तब भी ना थी, कुछ लोगों के पास सब कुछ था, कुछ लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं. मगर ज़राई इनकलाब के बाद ये सब तब्दील हो गया. ये था जब हमने बेहतर मशीनें, बेहतर फसलें, बेहतर खाद ईजाद की. हमने, इंसान ने ईजाद किया जिससे पैदावार में धमाके होने लगे, और उससे आने वाली मुआशी तरक्की से समाज की नौयत ही तब्दील हो गई, यानी कि समाज इज्तमाही फ़ायदे की तरफ बढ़ चली, जिसमें आपके फ़ायदे में मेरा फ़ायदा है और मेरे फ़ायदे में आपका फ़ायदा. मेरे फ़ायदे में ही आपका फ़ायदा है. जितना हम ईजाद करते हैं उतने ही और पेचीदा मसाइल हमारी बढ़ती ज़रूरियात और ख्वाहिशात के सामने पेश आने लगते हैं. मगर क्योंकि आपके फ़ायदे में ही मेरा फ़ायदा है, तो हल हम मिलके ही दरियाफ्त करें. दुनिया में रिसर्चर्स और इंजीनियर्स का इजाफा होता है और हल और से और मसाइल के निकल आते हैं. मसाइल वही हैं मगर हल और भी खूबसूरत. क्या बात की है अमानला, पानी. बिल्कुल ऐसे ही साइकिल से, गाड़ी से एयरप्लेन ईजाद हुआ, टेलीफोन से, सेल फोन से, अब स्मार्टफोन आपके सामने वजूद में आ रहे हैं. ये दुनिया का इज्तमाई फायदे की तरफ आने से ही हुआ है. हमने मौजूदा मसाइल के नए हल दरियाफ्त किए, जिस तरह की ये ड्रम दरियाफ्त हुआ है, जैसे कि इस वक्त दुनिया मिलकर कोरोना वायरस की एक वैक्सीन दरियाफ्त कर रही है. मेक सेंस. जुनैद भाई, वैसे हम तो कितना पानी वहाँ पे जाया करते हैं. भाई मुंह पे साबुन लगा हुआ है, नलका खुला हुआ है, बह जा रहा है. और कमोड में भी जो है कितना लीटर हम पानी यूज़ करते हैं. बस देखें यार, हमें अंदाज़ा नहीं है. कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी सिर्फ पानी लाना और ले जाना, यही उनकी ज़िंदगी होती है. और हम कितने आराम से जी फ्रिज में मुंह डाल के पी लिया, वही छोड़ दिया, आधे ग्लास छोड़ दिए. रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़ी बोतल मंगाते हैं, एक ग्लास पीते हैं, तीन ग्लास छोड़ देते हैं. करते ही नहीं है हम, कदर नहीं करते. इनके आपने देखनी है, आप यहाँ आके देखें. इनके फ़ायदे में भी मेरा ही फ़ायदा और मेरे फ़ायदे में आपका फ़ायदा. मेरा तो वर्ल्ड व्यू ही बदल गया. तैयबा.org पे जाके आप डोनेट भी कर सकते हैं. फिलहाल को फॉलो करके एक बेहतर दुनिया का ख्वाब भी देख सकते हैं. मोमिन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो किस पत्थर के नीचे रह रहे हो यार? मौजूदा मसलों के नए हल भी दरियाफ्त कर सकते हो, अपने फायदे का भी सोच सकते हो. तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं ना तुम्हारे. जुनैद अकरम, सब्सक्राइब. जब तू कर लेगा तू जानेगा क्या तूने पाया क्या पाया. अगर आज सब्सक्राइब करेंगे 7 दिन में देखिएगा आपके साथ क्या होगा. 7 दिन में आपकी नेटवर्क डबल हो जाएगी. आपके जो जो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी. पीर मोरू महबूबा के कदमों में आ जाएगा 7 दिनों में. सब्सक्राइब करें और उसको भी सब्सक्राइब करें. ओ भाई अगर आपके पेपर्स आ रहे हैं और आपको सारे एस चाहिए बोरू को सब्सक्राइब करें. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी चाहिए बोरू को सब्सक्राइब. अगर आपकी अगर होने वाली गर्लफ्रेंड नहीं मान रही तो मोरू को सब्सक्राइब करें. अगर आप फ्यूचर एक्स वाइफ ढूंढ रहे हैं तो मोरू को सब्सक्राइब करें. भाई चैनल सब्सक्राइब करो नहीं तो खल्ली वल्ली हो जाओ यार.